मथुरा जनपद के बेहद प्रतिष्ठित किशोरी रमण डिग्री कॉलेज में कबाड़ घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की जांच करने डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय रविवार को महाविद्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने कबाड़ की जांच की व विद्यालय के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस दौरान जहां विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय त्यागी ने किसी भी तरह के कबाड़ घोटाले में संलिप्त होने से इनकार किया, तो वहीं जांच के लिए आए डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि जांच में यह सामने आया है कि प्राचार्य डॉक्टर अजय त्यागी ने विद्यालय का कबाड़ बेचा है और कबाड़ बेचकर एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा वह नहीं दे सके हैं। इस संबंध में कबाड़ी और विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बयान दिए हैं और इसकी आख्या जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। शिक्षक संघ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, जो कि KRPG विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक भी हैं, मेरे द्वारा जांच की जा रही है। शिकायत है कई बिंदुओं पर, लगभग जांच पूर्ण हो चुकी है और जांच में ये पाया गया है कि विद्यालय में अनियमितताएं हैं और विस्तृत जांच करने के बाद आख्या आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी जाए। किस तरह की चीज़ें पाई गई हैं सर? अब कई बिंदु हैं, शिक्षक संघ ने भी शिकायत की थी, यहाँ के मतलब विद्यालय के शिक्षक संघ ने शिकायत की थी और भी कुछ मतलब शिकायती प्रार्थना पत्र हैं जो ऊपर से प्राप्त हुए हैं, जिन पर जांच चल रही है और जांच होने से पहले कोई बात मतलब जो है कहना मुनासिब मैं नहीं समझता। सर आज जांच में क्या, मैं बीच में साहब की बात को रोकना चाहूँगा। जहाँ तक शिक्षक संघ का ही ताल्लुक कर रहे हैं, शिक्षक संघ के ये उन्हीं बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं जिन बिंदुओं पर इनसे पहले प्रभारी अधिकारी जांच कर चुके और वो उस जांच से सर्टिफाइड थे। जहाँ तक मलबे का ही जिक्र कर रहे हैं, मलबे की पुलिस इंक्वायरी भी हो चुकी, पुलिस रिकॉर्ड में संभवतः आपकी जानकारी में हो, दो ही लोग हैं जो उद्यमी ज़्यादा है, उन दोनों लोगों के द्वारा बिना जिलाधिकारी के परमिशन के अपने इंडिविजुअल रूप से पुलिस में रिपोर्ट करी गई थी, उनकी पुलिस रिपोर्ट खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्हीं दो लोगों के कहने पर पुनः एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई गई। वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जितना मुझे पता है उसमें मुझे पाक साहब घोषित किया है। अब वही लोग उन्हीं बिंदुओं पर दोबारा कभी पुलिस में जा रहे हैं, कभी DM साहब के पास जा रहे हैं, कभी अधिकारी के पास जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका मंतव्य क्या है और जिन बिंदुओं पर जांच निस्तारित हो चुकी उन बिंदुओं पर प्रभारी अधिकारी महोदय का जांच निस्तारण करने का क्या औचित्य है, ये आप जाने। मैं क्योंकि जांच से संबंधित शिक्षक संघ से संबंधित बात आई थी, इसलिए शिक्षक संघ से संबंधित बात आप लोगों को क्लियर करना मेरा दायित्व बनता है।